हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन साइंस या फिजिक्स बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट, मैं इस चैनल में आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है स्टूडेंट, वो दैट इज सॉल्यूशन चैप्टर है। सॉल्यूशन चैप्टर में जो चीज मैं आज पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नॉन एडिड सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। यानी कि जो पॉजिटिव डेविएशन, यानी जो रॉड्स लॉ का जो ग्राफ आपने जो मैंने आपको पढ़ाया था, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो ग्राफ था, तो जो रॉड्स लॉ का जो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ थी, प्योर ए लिक्विड और प्योर बी लिक्विड और उनके सॉल्यूशन का जो स्ट्रेट लाइन थी, तो ये पॉजिटिव डेविएशन ये क्या है कि ये ग्राफ जो सॉल्यूशन हमारा जो बनेगा, दैट इज अ पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाली सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन का जो ग्राफ है ये उससे रॉड्स लॉ से के ग्राफ से ऊपर की तरफ से होगा, इसलिए इसके पॉजिटिव डेविएशन बोला गया। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे कि जो पॉजिटिव डेविएशन वाले जो आपके जो सॉल्यूशन होते हैं वो रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करते, रॉड्स लॉ से उसमें डेविएशन शो करता है, यानी कि उससे ज्यादा उनकी वैल्यू, मतलब उनका ग्राफ ऊपर की तरफ बनता है। तो ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है टाइप वन सॉल्यूशन, एक टाइप टू सॉल्यूशन। जैसे सिंपल से स्टूडेंट, आप यहाँ जैसे ये ग्राफ देख रहे हैं, दैट इज ए वेपर प्रेशर, ये लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है, ये लिक्विड ए, इट इज ए लिक्विड ए और ये लिक्विड बी है, और इसमें जो आप ये स्ट्रेट लाइन जो डॉटेड वाली दिख रहे हैं ये रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग है। रॉड्स, जैसे कि आप जैसे ये यहाँ पी ए नॉट है, पी ए नॉट मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इन प्योर फॉर्म, और पी बी नॉट का मतलब होगी वेपर प्रेशर ऑफ बी लिक्विड इन प्योर फॉर्म। लेकिन जो ये बीच वाले स्ट्रेट लाइन जब ये नीचे वाली देख रहे हैं, यहाँ रॉड्स लॉ लिखा हुआ, ये रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, दैट इज पी ए प्लस पी बी। और जो ये जो आपको जो ग्राफ दिख रहा है स्टूडेंट, ये ए जो लिक्विड है, ए लिक्विड का जो है आपको यह है रॉड्स लॉ का अकॉर्डिंग, दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड, तो ये उसका ग्राफ है, और ये आपको जो है प्योर लिक्विड बी का ग्राफ है। तो जैसे आप देख रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी और रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग में थी। लेकिन जो टाइप वन जो सोल्यूशन होता है और ये टाइप टू, दोनों ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। देखिए लिखा ना पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि ये देखिए ग्राफ आप ये वाला जो देख रहे हैं, ये ग्राफ जो है ये सोल्यूशन का, यानी ए बी ऐसा पॉजिटिव डेविएशन वाले लिक्विड है जिसमें ए बी जब मिला देते हैं तो वो उनका जो ग्राफ बनता है सोल्यूशन का, वो रॉड्स लॉ के ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनता है, ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है। तो टाइप वन और टाइप टू दोनों जो है पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी रॉड्स लॉ से ज्यादा इनका वेपर प्रेशर का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बनता है। अब मगर इसमें टाइप वन, टाइप ए और टाइप टू में बस फर्क इतना होता है स्टूडेंट, आप जैसे देख रहे हैं सबसे कम वेपर प्रेशर किसका, पी ए का, यानी ए लिक्विड का, और सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर कैसे बी लिक्विड का, सिंपल से प्योर फॉर्म है। तो जो ये आपका जो ये सोल्यूशन बनते तैयार है टाइप वन सोल्यूशन में, ये पी वी नॉट यानी कि प्योर ऑफ द बी लिक्विड वेपर प्रेशर एंड ए नॉट यानी कि पी ए नॉट मतलब ये ए लिक्विड का प्योर वेपर प्रेशर के बीच का, देखिए आपको जो आपको ग्राफ मिल रहा है ये बीच में होता है, यानी कि पी वी नॉट और पी ए के बीच में होता है, यानी कि वेपर प्रेशर, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ वेपर प्रेशर ऑफ द टाइप वन सोल्यूशन है, इसमें देखिए पी ए नॉट इज लेस देन सोल्यूशन, जो सोल्यूशन हमारा बन रहा है कौन सा सोल्यूशन है टाइप वन सोल्यूशन, एंड इट इज लेस देन पी वी नॉट, यानी पी वी नॉट से तो इसका जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का कम होगा, लेकिन पी ए नॉट से तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और आप जानते हैं स्टूडेंट कि जो वेपर प्रेशर है वो ठीक रेसिप्रोकल होता है किसी बॉइलिंग पॉइंट के, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट के देखिए ग्राफ आप देख रहे हैं बिल्कुल इसका मिरर इमेज बन रहा है, तो मिरर इमेज के हिसाब से यहाँ पे ए का जो है लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, और आपको जो सोल्यूशन ए बी का जो सोल्यूशन है जो टाइप वन वाला है इसका वेपर, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके बाद होगा, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बी लिक्विड का, क्यों, क्योंकि बी का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा, तो जिसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इन्वर्सली रिलेशन में होते हैं, क्या होता है इन्वर्सली रिलेशन, यानी कि अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहाँ जैसे आप देख रहे पीवी नॉट का वेपर प्रेशर क्या है सबसे ज्यादा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, और यहाँ पीए नॉट का वेपर प्रेशर का सबसे कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए सबसे ज्यादा है, लेकिन जो ये सोल्यूशन है जो टाइप वन सोल्यूशन ये इन दोनों के बीच में है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के देखिए बीच में, देखिए मैंने एरो करके दिखाया ये बी का एरो है, ये ए का एरो, और ये बॉइलिंग पॉइंट किसका सोल्यूशन का एरो, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी वेपर प्रेशर सोल्यूशन इज लेस देन द पीवी नॉट, और द फर्स्ट टाइप सोल्यूशन में ये ग्रेडेशन होता है कि पीए नॉट इज लेस देन सोल्यूशन दैट इज वेपर प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इज लेस देन पीवी नॉट, यानी सबसे ज्यादा पीवी नॉट का वेपर प्रेशर होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ए का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम सॉल्यूशन का होगा, सबसे कम किसका बी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ये तो हुआ हमारा टाइप वन का। टाइप टू भी जो है पॉजिटिव डेविएशन शो करता है स्टूडेंट, बस फर्क ये होता है कि जो ये पीवी नॉट यहाँ पे जो है ये सोल्यूशन का जो ग्राफ है ये पीवी नॉट से कम है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन पीवी नॉट, देखिए हम यहाँ देख रहे हैं पीवी नॉट से सॉल्यूशन का क्या कम है, यहाँ भी कहते हैं सॉल्यूशन जो है पीवी नॉट से ज्यादा होता है, पीए नॉट तो सबसे कम है उसे तो कोई वेपर प्रेशर को, तो आप देख रहे हैं जब इसका ग्राफ बनाते हैं सोल्यूशन का टाइप टू सोल्यूशन, ये भी पॉजिटिव डेविएशन, तो ये टाइप टू डेविएशन में एक मैक्सिमम पॉइंट आता है, मैक्सिमम पॉइंट मतलब वो पॉइंट जो पीवी नॉट से भी ऊपर, यानी कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है मोर देन
पीबी नॉट, यानी पीबी नॉट से ऊपर है तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट बनता है। इसलिए जो सोल्यूशन का जो बॉलिंग पॉइंट है वो देखिए सबसे कम है। देखिए बॉलिंग पॉइंट देखिए सोल्यूशन का सबसे कम है, क्यों? क्योंकि इसकी वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का ग्राफ का वेपर प्रेशर मैक्सिमम बॉलिंग पॉइंट बी लिक्विड से भी ज्यादा है, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होने के कारण इसका बॉलिंग पॉइंट देखिए सबसे कम है, मिनिमा देखिए यहाँ लिखा हुआ। तो ये बॉलिंग पॉइंट का जो है ग्राफ है किसका, सोल्यूशन का। तो ए का वेपर बॉलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उससे कम किसका होगा, बी लिक्विड का आपका बॉलिंग पॉइंट होगा, सबसे कम किसका होगा, सोल्यूशन ए बी का जो वो मिनिमम हमारे पोजीशन मिलती है सबसे कम बॉलिंग पॉइंट है। तो इसमें आप देख सकते हैं वेपर प्रेशर सॉल्यूशन ग्रेटर देन द पीबी नॉट। तो बस फर्क केवल इसमें होता है यहां सॉल्यूशन इस साइड में और पीबी नॉट, यानी कि ये ग्राफ होता है सॉल्यूशन का ये पीबी नॉट से भी ऊपर की तरफ होता है, तो ऊपर होने के कारण ये जो है टाइप 2 सॉल्यूशन कहलाता है। और इसमें जो ग्रेडेशन होता है वेपर प्रेशर का, पीए नॉट इज लेस देन पीबी नॉट और पीबी लॉस इज लेस देन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट ए का सबसे ज्यादा और उससे लेस देन होता है बी का और सबसे कम होता है सॉल्यूशन का, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर का इनवर्सली। तो टाइप 1 और टाइप 2 बस बस स्टूडेंट ये फर्क है कि टाइप 1 में जो सॉल्यूशन का जो ग्राफ होता है या उसका वेपर प्रेशर होता है वो पीवी नॉट और पीए के बीच का होता है, लेकिन सेकंड टाइप सॉल्यूशन जो होगा जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है इसमें जो है जो सॉल्यूशन का जो आपका वेपर प्रेशर है वो पीवी नॉट से भी जो सबसे ज्यादा लिक्विड है उससे भी ज्यादा इसका वेपर प्रेशर हो, जिसे हमने मैक्सिमा से दिखाया और बॉइलिंग पॉइंट में क्या दिखाया, मिनिमा दिखाया। तो इसे भी आप ग्राफ देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट का, ये वेपर प्रेशर के देखिए आप देख रहे हैं बिल्कुल मिरर इमेज है। तो ध्यान रखिए बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर का जो ग्राफ होते हैं वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ आए। तो टाइप 1 सॉल्यूशन और टाइप 2 सॉल्यूशन। दूसरा इसका रीजन आपको बताना चाहिए, उसका जो मेन रीजन है कि क्या कारण है ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, सिंपल सी चीज है स्टूडेंट। जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो लिक्विड ए और बी, तो सॉल्यूशन का तो ए बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है तो बहुत कम होता है, बहुत ही निगलिजिबल, बहुत लेस देन होता है, क्योंकि जैसे ए लिक्विड है तो ए लिक्विड के जो प्योर फॉर्म है उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है, यानी दोनों ए ए है या बी बी ले लें तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, यानी प्योर फॉर्म में जो लिक्विड ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, और सॉल्यूशन में वही ए और बी को अगर ए बी को आपस में डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड के बीच का अट्रैक्शन फोर्स वो सबसे कम होता है। तो कम होने के कारण जो सॉल्यूशन का जो ए बी का जो कंस्ट्रक्शन उसमें क्या होता है, जैसे ए लिक्विड आपने जैसे बी लिक्विड डाला तो ए लिक्विड के अंदर बी लिक्विड आ जाता है, यानी कि ए लिक्विड जैसे बी लिक्विड आ जाता है तो ए ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है और ए बी के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम, यानी ए बी के बीच में या बी ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम हो जाता है और ए ए प्योर फॉर्म में ए ए के बीच में या बी बी का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। इसलिए ए बी जो सोल्यूशन होता है वो काफी वॉलेटाइल होता है, वो क्या होता है वॉलेटाइल, यानी कि उसका वेपर प्रेशर सबसे हाई होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों जगह हाई होता है, तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का ज्यादा होने के कारण इसे पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। तो यह है कि ए बी लेस देन, और दूसरा यह है कि अब आपको मैं आपको ये बताना है वेपर प्रेशर के हिसाब से ए बी के बीच में वेपर प्रेशर सबसे कम होता है, इससे ए ए प्योर फॉर्म या बी बी, यानी कि प्योर फॉर्म में ए और बी लिक्विड है उनका अलग अलग जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा होता है और सॉल्यूशन के अंदर ए बी के बीच में जो वेपर प्रेशर था वो कम होता है, और कम होने के कारण इसी के कारण हमारे बॉइलिंग पॉइंट भी उसी से ग्रेडेशन देखने मिलता है। अब स्टूडेंट ने आपको ये चीज बताया कि सॉल्यूशन का जो है वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, क्योंकि वॉलेटाइल ज्यादा है, उसमें अट्रैक्शन फोर्स कम है, और जो रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन बनता है उससे जो कम, तो क्योंकि रॉड्स लॉ आप जो सीधी लाइन देख रहे हैं ना स्टूडेंट, ये है रॉड्स लॉ, और रॉड्स लॉ से ये दोनों जो है सॉल्यूशन टाइप 1 टाइप 2 दोनों ऊपर की तरफ, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अब एक चीज और बतानी चाहिए स्टूडेंट कि सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि इसमें डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन जो है ज्यादा होती है, एंथैल्पी यानी कि ए और बी के अलग अलग एंथैल्पी को अगर सम कर दें तो उससे जो है ज्यादा निकलती है सॉल्यूशन की, यानी कि जो चेंज इन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी मोर देन जीरो होती है, तो चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन पॉजिटिव क्या होगी, वो पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव लिखा है, वो ज्यादा होती है। तो अंडरस्टूड है कि सॉल्यूशन जो है अपनी एंथैल्पी ज्यादा करने के लिए सराउंडिंग से हीट लेता है, सराउंडिंग से एनर्जी लेता है, तो सराउंडिंग से एनर्जी लेने के कारण ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कौन सा एंडोथर्मिक। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं, यानी कि सराउंडिंग से हीट या एनर्जी को लेके तब अपनी एंथैल्पी को बढ़ा के तब वो मोर देन जीरो करके ये एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, ठीक है स्टूडेंट, एक चीज है सबसे। तो ध्यान रखिए पॉजिटिव डेविएशन शो करके एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव, यानी मोर देन जीरो। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो स्टूडेंट मैं बताने जा रहा हूं कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण थोड़ा सा वॉल्यूम इनका बड़ा होता है, यानी चेंज इन जो वॉल्यूम होता है दैट विल बी आल्सो मोर देन जीरो, यानी वो क्या होता है जो चेंज इन वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव, यानी मोर देन जीरो होता है। उसका रीजन क्या है कि ए बी के बीच में जो हमारे ये ए बी दिख रहा है ना, यानी सॉल्यूशन के जो ए लिक्विड बी लिक्विड का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होता है, वीक होने के कारण वह हल्का सा वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो जब ए और बी को आपस में मिलाकर सॉल्यूशन बनाया जाता है तो सॉल्यूशन को जो नेट वॉल्यूम होता है चेंज इन वॉल्यूम होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी उन दोनों के सम वॉल्यूम के सम से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आई थिंक स्टूडेंट आज मैंने नॉन एडल्ट सॉल्यूशन का शोइंग पॉजिटिव डिवीजन आपको रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग
पढ़े, मैं पूरा आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। और आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिए, और स्टूडेंट इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देगा। और आपको जितने भी जान पहचान के स्टूडेंट को आप उनको ये मेरे चैनल का लिंक भेज दीजिएगा। और प्लेलिस्ट में आपको 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों आपको बिल्कुल सीरियस से मैंने लेक्चर दिए, इनको आप ऐसे इनको नोट्स बना लीजिए। ओके स्टूडेंट, ओके, बाय बाय।